लेकिन इस प्रकार से भक्ति साहब सजा हुआ है काफी अच्छा जो है यहाँ पर। लोग जो है यहाँ पर देखिए काफी जो है रोमांचित लग रहे हैं यहाँ के माहौल को देखते हुए। अगर मैं आपको पूरा दिखाऊं यहाँ पर तो काफी अच्छा यहाँ पर देखिए चारों तरफ से काफी अच्छा सजा हुआ है यहाँ पर, और पूरा जो है भक्ति धाम एक अलग ही रंग में रंगा हुआ है। आप देख सकते हैं पूरा यहाँ पर रिकॉर्ड कर रहे हैं, यहाँ पे भी काफी ज्यादा भीड़ है। अभी मैं आपको आगे पूरा दिखाऊंगा कि कैसा यहाँ पर कैसी सजावट हुई है, कैसा सब कुछ है यहाँ पर। लोग काफी यहाँ पर सेल्फी वगैरह कैप्चर कर रहे हैं। इस बार जो है पीने के पानी के लिए कुछ ऐसी व्यवस्था भी यहाँ पर और रास्ते में काफी ज्यादा जो है सजावट वगैरह। हाँ और यहाँ पर देखिए यहाँ पर लोग देखिए सुरक्षा व्यवस्था काफी अच्छी है यहाँ की, और यहाँ पर देखिए पैर वगैरह धुल सकते हैं आप अगर आने के बाद अपने। यह पूरा कैंटीन देख सकते हैं, कैफेटेरिया, और लोग यहाँ पर भक्त जो है कि यहाँ पर कल जो व्यवस्था होगी उसके लिए पूरा बनाया जा रहा है। और पीछे जो है पूरा यहाँ पर लोग और यहाँ पर सर लोग आ रहे हैं, और मैं अगर आपको पूरा यहाँ पर देख सकते हैं इस प्रकार से काफी अच्छा डेकोरेशन किया गया है चारों तरफ यहाँ पर आप देखेंगे, और यहाँ पर ये व्यवस्थाएं कल के लिए बन रही हैं। तो पॉसिबली अगर मैं कल आता हूँ तो दिखाता हूँ आपको। काफी अच्छी व्यवस्थाएं यहाँ पर है, और इस बार पूरा पूरा देखिए यहाँ पर डेकोरेशन वगैरह जो है काफी चेंज किया गया है, और यहाँ पर देखेंगे आप काफी चीजें कुछ एडिशनली यहाँ पर ऐड की गई हैं। अभी लोगों से बातचीत करेंगे और दिखाएंगे बातचीत यहाँ पर कि कैसा क्या रहता है सब कुछ। पर देखेंगे तो आप यहाँ पर श्री कृष्ण की बाल लीलाएं कुछ यहाँ पर दिखाई जा रही हैं, जिसको मैंने आपने पहले भी देखा था यहाँ पर। तो अगर मैं आपको दिखाऊं यहाँ से नजदीक से जाकर के, तो यहाँ पर देखिए भगवान श्री कृष्ण की बाल लीलाओं के बारे में यहाँ पर दिखाया जा रहा है। पढ़ेंगे तो आगे कौन देखेगा यहाँ पर। देखिए कितना प्यारा सा यहाँ पर पूरा उनके पिताजी का पूरा वो दिखाया जा रहा है, और यहाँ पर भगवान श्री कृष्ण का पूरा बचपन जो है यहाँ पर जो है दिखाया जा रहा है। यमुना नदी का भी वर्णन किया गया है यहाँ पर, और लोग यहाँ पर पूरा सुरक्षा घेरा भी बनाया गया है कि यहाँ पर लोग अंदर ना जा सकें। और आवाज़ वगैरह देखेंगे तो पूरा बादल वगैरह देखिए ऊपर गरज रहे हैं, एकदम लग रहा है पूरा एकदम सिनेमैटिक सा सीन। अगर दिखाने की कोशिश करूँ यहाँ पर देखिए पूरा का पूरा लग रहा है कि एकदम पूरा एकदम एक्चुअल में एक मौसम यहाँ पर क्रिएट होता हुआ नज़र आ रहा है यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो। ठीक है यहाँ पर आप देखेंगे तो लोगों की दर्शकों की काफ़ी अच्छी भीड़ बनी लगी हुई है यहाँ पर देखेंगे, और यहाँ पर देखेंगे पूरा एक आसमान का एक मंजर बनाने की कोशिश ऊपर की गई है, जिसमें लाइट्स वगैरह भी काफ़ी जो है यहाँ पर रियलिस्टिक टाइप की बनाई गई हैं। और यहाँ पर आप देखेंगे चारों तरफ पूरा का पूरा एकदम मंजर जो है काफ़ी अच्छा, पूरा उनकी बाल लीलाओं का वर्णन जो है भव्य तरीके से किया गया है। पिछली बार आपने देखा था कि यहाँ पर केवल यहाँ पर कुछ ही ऐसे यहाँ पर मंदिरों के बारे में दर्शाया गया था, लेकिन यहाँ पर देखिए इस बार पूरी श्री कृष्ण की बाल लीलाओं के बारे में यहाँ पर दिखाया गया है, और उसके बाद जन्म जब होगा उनका तो उसके बारे में भी पूरा यहाँ पर एक अद्भुत नज़ारा आपको देखने को यहाँ पर मिलेगा। और यहाँ पर देखिए भगवान श्री कृष्ण जो है आगे आगे चल रहे हैं, और यहाँ पर माँ यशोदा और उनके पीछे पीछे चल रही हैं यहाँ पर। तो ऐसा कुछ यहाँ पर बनाया गया है, काफ़ी एकदम लग रहा है कि अभी आप सतयुग में आ चुके हैं, तो काफ़ी बढ़िया यहाँ पर। और पीछे देखिए यहाँ पर पूरा श्री कृष्ण की बाल लीलाओं से भरा हुआ ये मंदिर है। ठीक है तो यहाँ पर अगर आप चारों तरफ
क्या ही नज़ारा है आज का। अगर मैं आपको दिखाऊं यहाँ पर पूरा का पूरा, मैंने यहाँ पर वाइड एंगल शॉट्स में लेने की कवर करने की कोशिश की है, और यहाँ पर जो है पूरा का पूरा यहाँ पर अभी तो खाली लग रहा है आपको। राधे राधे, आप सभी का शीघ्र बालू धाम में हार्दिक अभिनंदन। शीघ्र बालू धाम देखिए, इस प्रकार से चारों तरफ बाउंड्री लगाई गई है। यहाँ भगवान शिव की मूर्ति लग रही है यार, यहाँ भगवान शिव की मूर्ति लग रही है यार। हाँ, कृपया ध्यान दीजिए, शीघ्र बालू धाम में जन्माष्टमी पिज्जा भी बड़ा हो जाए, सितंबर को मनाई जाएगी। मंदिर दर्शन झांकी दर्शन इधर से होगा। देखिए यहाँ पर कुछ इस प्रकार से जो है काफी अच्छा प्यारा सा एकदम लग रहा है, महल पूरा बना हुआ है। हेलो, अभी तो भीड़ कम है, कुछ समय के बाद भीड़ का मंजर होगा, वो काफी ज्यादा यहाँ पर होगा। मैं अगर आपको दिखाने की कोशिश करूँ यहाँ पर तो देखेंगे आप पूरा जो है चारों तरफ से प्यारा सा लग रहा है। यहाँ पर देखिए चारों तरफ से काफी अच्छा मंजर है, और यहाँ पर पूरा सजावट काफी अच्छी हुई है। श्री कृष्ण की अद्भुत झांकी यहाँ पर आपको देखने को मिल रही है, अभी बच्चों के लिए आनंदित होने के लिए थोड़ा सा थोड़ा। और यहाँ पर रास्ते बहुत सारे बना की व्यवस्था कर दी गई है वहाँ पर। यहाँ पर एक अजीज जी के लिए लोगों से आगे चलेंगे और भी बातचीत करेंगे और देखेंगे कि कैसा लोगों का अनुभव रहता है। और यहाँ पर पूरा का पूरा जो है देखा आपने, दर्शन किया पूरा एकदम झांकी वगैरह का सब कुछ देखा आपने, और लोग काफी आनंदित हैं। हाँ तो काफी वीडियो में बताओ इसका नहीं जी बोलने पैसा मतलब ठीक है ये फिर हाथ से खड़ी करे। यहाँ पर देखिए लोग वीडियोग्राफी कर रहे हैं, और मैं अगर दिखा आनंदित है, और यहाँ पर बैक साइड से मैं अगर दिखा फ्रंट कैमरे से दिखाने की कोशिश करूँ तो देखिए यहाँ पर काफी भक्त लोग हैं यहाँ पर।